हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, शिक्षक भर्ती से जुड़ी जो भी जानकारी मेरे पास आती है आपसे जरूर शेयर करता हूं। अतिथि शिक्षक के काउंसलिंग से संबंधित एक न्यूज़ सामने आई है। एक याचिका दायर की गई है जिसमें बहुत से अतिथि शिक्षक जो हैं उन्होंने गेस्ट टीचर का काम करते हुए बीएड किया है, उन्हें बाहर कर दिए गए थे। उस संबंध में याचिका दायर की गई है। तो ये जो न्यूज़पेपर की कटिंग है एक बहन ने मुझे भेजी है। उन्होंने कहा कि सर, इस पर आप ज़रूर वीडियो लाएँ। तो चलें पहले वो न्यूज़ देख लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं, शिक्षक पात्रता परीक्षा का मामला है। अतिथि शिक्षक रहते हैं बीएड करने वाले उम्मीदवारी समाप्त करने को चुनौती। अब ये चुनौती दी गई है इस नियम को। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में अतिथि शिक्षक रहते हुए बीएड करने वालों की शिक्षा भर्ती से उम्मीदवारी समाप्त करने को चुनौती दी गई है। तो यहाँ पर जो है इसे संज्ञान में ले लिया गया है दोस्तों। और यहाँ पर जो डिवीजन बेंच ने स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव, जो आयुक्त लोक शिक्षण और सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं। ये जो मामला है दोस्तों, वो राजगढ़ के श्री किशोर राय जी की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि उसने उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती के लिए आयोजित पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की थी। दस्तावेज सत्यापन के दौरान 23 जून 2020 को आयुक्त लोक शिक्षण ने ये निर्देश जारी कर दिए थे कि अतिथि शिक्षक रहते हुए बीएड करने वाले उम्मीदवार शिक्षक भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। तो ये उन्होंने एक नियम बनाया था और उस हिसाब से बाहर कर दिए गए। अब इसमें आगे देखें दोस्तों, इसके आधार पर बड़ी संख्या में उम्मीदवार को बाहर कर दिया गया। अधिवक्ता श्री वृंदावन तिवारी ने तर्क दिया है कि नियम और विज्ञापन में अतिथि शिक्षक रहते हुए बीएड करने वालों की उम्मीदवारी समाप्त करने के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। तो जो आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ था, विज्ञापन जारी हुआ था, उसमें ऐसा कोई भी नियम मेंशन नहीं किया गया, ये तर्क दिया गया। इसके आगे देखें, एक तरह से लोक शिक्षण विभाग ने उम्मीदवारों की बीएड डिग्री को अमान्य करते हुए हमेशा के लिए शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया। यहाँ पर बहुत से लोग डीपीआई भी गए थे इससे पहले दोस्तों। तो वहाँ पर ये कहा गया कि जो आपने बीएड किया है और उसी समय आपने जो गेस्ट टीचर का काम किया है, तो आप उपस्थित दो जगह कैसे रह सकते हैं, और ये तर्क देकर उनको बाहर कर दिया गया दोस्तों। और आपको जैसे मालूम है कि काउंसलिंग शुरू हुई थी, तो बहुत से जो गेस्ट टीचर थे जिन्हें 25% का लाभ मिलना चाहिए था और उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया था दोस्तों, तो उस आधार पर, अनुभव के आधार पर, और उन्होंने बीएड किया है सेम सत्र में, उन्हें बाहर कर दिया गया। तो उसी जो नियम को है उसे चुनौती दी गई है। और यहाँ पर तर्क यही दिया गया है कि नियम और विज्ञापन में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं था दोस्तों। तो ये अपने आप में सही है कि इसका उल्लेख पहले से नहीं किया गया था, और जैसे ही आपकी काउंसलिंग शुरू हुई ये नियम सामने उभर कर आया, और इस चक्कर में बहुत से लोग बाहर हो गए जिन्हें 25% का रिजर्वेशन का लाभ मिलना था। लाभ तो नहीं मिला, लेकिन हाँ ये है कि वो उनकी काउंसलिंग जो है, उनकी नियुक्ति जो है, उससे ही उन्हें बाहर कर दिया गया। तो उसी संबंध में ये याचिका दायर की गई है दोस्तों। अब इस पर क्या डिसीजन आता है, जैसे ही आएगा कोई अपडेट मैं लेकर आपके सामने आऊँगा ही। तो ये वीडियो एक सूचना मात्र था दोस्तों, आपके साथ शेयर करना था कि इस तरह से जो गेस्ट टीचर हैं उनके लिए एक मौका, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उन्होंने ये नियम लिया है कि आपके जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसमें ऐसा कुछ भी नियम मेंशन नहीं किया गया था। ये नियम जो है बाद में डीपीआई ने जो है जारी किया गया, और उस हिसाब से वो पात्र होते हुए भी, क्वालिफाइड होते हुए भी इस नियम के चलते बाहर हो गए हैं। अब इसे संज्ञान में ले लिया गया है और जवाब मांगा गया है कि किस नियम के तहत आपने बाहर किए हैं। तो अब वो क्या अपना आंसर रखते हैं, उस हिसाब से जो भी डिसीजन होगा मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। तो ये वीडियो एक सूचना मात्र था, आपने इसे देखने के लिए इतना समय निकाला उसके लिए दिल से धन्यवाद।